नमस्कार। कई लोग आप मुझसे पूछ रहे हो कि स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया में क्रेज़ हो चुका है अमृता फरीदाबाद को लेके, कि सर क्या आपको लगता है कि ये मॉपअप राउंड में कहाँ तक गिरेगा? और बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, राउंड वन से टू ऊपर कब जाता है? जब नए लोग हैं जिन्हें शायद कुछ और कॉलेज अलोकेट हुआ था, वो शिफ्ट करें, राइट? तो अमृता जो है वो 491 मार्क्स पे पहुँच चुका है। अब लेट्स से जे एल एन बेलागावी 456 पे ख़त्म हुआ था, या जे एस एस मैसूर 447 पे ख़त्म हुआ था। ये ख़त्म होता है, दैट मीन्स जे एस एस मैसूर में सब कुछ बच्चे होंगे जो 470 480 के होंगे, तभी तो ख़त्म हो रहा है ना। और जो अमृता में सीटें आएंगी, मैं ये नहीं कह रहा सारे सारे अपग्रेड के लिए जाएंगे या सारे शिफ्ट के लिए जाएंगे, लेकिन देर इज़ ए टेंडेंसी, राइट, स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ इंडियन। तो मैं इसलिए आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ कि मेरे को अभी भी यकीन शायद यही है कि अमृता विल नॉट फॉल डाउन, मतलब वो नहीं गिरेगा जे एस एस और जे एल एन बेलागावी की कॉमन कट ऑफ से नीचे, दैट मीन्स 447 और 456, क्योंकि यही लोग अपग्रेड के लिए चले जाएंगे जो उनसे ऊपर था। दैट मीन्स 450 से भी गारंटी नहीं है, बट मिनिमम जो स्कोर जाएगा वो 450 जाएगा अमृता का। ये भी हो सकता है कि ऊपर ही रह जाए, और जैसा मैंने कहा कि जो जे एल एन की अगर मैं सारी लिस्ट दिखाऊँ, मतलब एग्जैक्ट मैं आपको बताना चाहूँ तो शायद 470-480 भी हो सकता है। तो कोई अगर 465-70 वाला है वो ये मान के चल रहा है, मैंने बोला मिनिमम ये है कि 450 से ऊपर तो है ही है ही। अब अगर मैं सारी अलॉटमेंट लिस्ट चेक कर लूँ जे एल एन बेलागावी और जे एस एस की, आप भी कर सकते हो, और उसमें अगर मुझे किसी तरह से ये पता चल जाए कि बच्चा कहाँ किस से बिलोंग करता है, देखिए बिकॉज जे एस एस का तो पैकेज पूरा 1 करोड़ का है, विच इज़ लाइक अमृता। और जो अमृता का विश्वास लोगों पर जाग चुका है, या लोगों का विश्वास जाग चुका है अमृता फरीदाबाद पर, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो सब लोग अपग्रेड करें। और मैं ये आपको तब से हमेशा समझा रहा हूँ कि जो 2023 में रूल चेंज हो गए ना, कि 2 to 3 भी अपग्रेड अलाउड है, तो वो बिल्कुल ठीक है कि एन आर आई सीट कन्वर्ट हो जाएंगी नॉर्मल सीट पर अगर एन आर आई नहीं आए, लेकिन जब वो कन्वर्ट होंगी तो सब जो समझा नीचे से ऊपर जाएंगे लोग। सो लेट से कि कोई अमृता वाला है जिसको कस्तूरबा पसंद है वो वहाँ जाएगा, जबकि राउंड टू में उल्टा हो गया है। और अमृता फरीदाबाद ऑलरेडी इंडिया का ना टॉप 7-8 फेवरेट बन चुका है, राइट, जो हमें कट ऑफ से पता भी चल रहा है। हम 1 की देखें, स्पेशली फिर 2 की देखें, 2 में तो बहुत क्लियर हो गया है कि अमृता इज़ राइट बिहाइंड हमदर्द और दोनों कस्तूरबा के जो मेन कैंपस हैं। इवन जमशेदपुर से बिल्कुल टच एंड गो है, जमशेदपुर 507 नंबर था तो अमृता हमारा 491 पे पहुंच चुका है, राइट। सिर्फ केएमसी के दोनों कैंपस हैं पूरी इंडिया में इन टर्म्स ऑफ ड्यू यूनिवर्सिटी जो अमृता से ऊपर हैं। तो अमृता के बच्चे या तो कस्तूरबा जाएंगे तो अमृता में सीट खाली होगी पुरानी, और जो नई सीटें आएंगी वो अक्सर जे एल एन बेलागावी और जे एस एस मैसूर के लोग ले लेंगे जो अपग्रेड के लिए जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा बिज़ी चल रहा हूँ, तो लेकिन जब आपने अलॉटमेंट लिस्ट देखी होगी, तो अगर आप देखते हो कि जे एस एस मैसूर में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 480-485 वाले हैं, क्योंकि कट ऑफ देखिए 474 है ना राउंड टू में, 447, तो 450 तो मैंने मिनिमम बोला, मतलब मैंने वही कहा कि एक बार एक्सेल खोलनी पड़ेगी तो कहो तो आपके लिए खोल ही देता हूँ। वैसे मैं आलस खा रहा था कि जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है, और इसके हिसाब से उससे पता चल जाता है। बेसिकली आपको ना ये पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटर कौन है मेरा, जो मैं हमेशा समझाता हूँ, राइट। तो आपकी सीट को लेगा वो बंदा जो इस समय जे एस एस में बैठा हुआ है, मैं बहुत ब्रॉडली बोलूँ तो, और उसको लगे कि नहीं भाई मेरे को मुझे सीट मिल रही है तो मैं ये ले लेता हूँ। तो कहते हैं कि जो लास्ट गिरा हम जानते हैं 167 है, लेकिन ऊपर वाले हैं भाई 79,000, 8 लाख रैंक वाले भी, 80,000 रैंक वाले भी हैं जो जिन्होंने पहले नहीं लिया था। तो उन सबको अगर मैं देखूँ ना, तो पर देखिए इनमें से कई लोग ऐसे थे जो राउंड टू में भी अपग्रेड ले सकते थे, तो 491 से नीचे वाले शायद ऊपर वाले उसी में खुश हैं। बट हम ओवरऑल बात करें तो इट इज़ वेरी वेल पॉसिबल कि ये 470-475 से नीचे ना आए, 450-455 तो मैंने आपको मिनिमम बोला था, ये आप मान के चलो जो नॉर्थ का मतलब फेमस अमृता हो गया। क्योंकि देखिए इसको बोलते हैं कि एक कॉलेज है जिसकी एक जैसे कहते हैं ना आग लगी हुई है, बाकी सब तो नॉर्मल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि लोग मरे जा रहे हैं जे जी एम एम हुबेली में जाने के लिए, लोग मरे जा रहे हैं के एस हेगड़े में जाने के लिए या कलिंगा वगैरह में जाने के लिए। इसलिए हमने लंबी बात अमृता की करी, और इन सबको देख के यही महसूस हो रहा है, यही पता चल रहा है कि अमृता की कट ऑफ तो ऊपर ही रहेगी,
और बाकी हर जगह तो जैसे जैसे ट्रेंड आता है जितनी भी NRI सीटें बची हुई हैं वो आएंगी और नए लोग आएंगे या लोग स्टेट छोड़ के आएंगे, नॉट गारंटीड। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ना अगर आप लास्ट ईयर का टाइम देखोगे तो हमेशा देखोगे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में खासकर कि राउंड 3 में कट ऑफ बहुत ऊपर जाती थी। और मुझसे कई लोग पूछ रहे थे, तो मैंने इसी वीडियो में बता देता हूँ जिसमें मैं अमृता की बात कर रहा हूँ, कि सर ये ऐसा कैसे होता था कि 1-2 तो अक्सर डाउन होता था और आज भी मेजोरिटी में डाउन है, कुछ ही किसी में अप हो गया, राइट? स्पेशली जो अमृता की बात कर रहे हैं, पर डीम्ड का इस साल का कंपैरिजन भी करोगे तो मेजोरिटी में डाउन ही है, राइट? ऐसा नहीं है कि भी हर एक बढ़ गया है, चाहे वो 10 नंबर से घटा है, पर वो घटा ही है। क्योंकि हम हमेशा समझाते हैं ना कि राउंड 1 जो फ्री एग्जिट होता है तो लोग थोड़ा मजाक में भरते हैं, तो अक्सर जो है वो डाउन ही आया है। अब लेकिन क्यों जाता है, अब अक्सर वही जाता है कि नए बच्चे काउंसलिंग में आ गए जो पहले शायद इनडिसाइसिव थे, और वही राउंड 3 में होता था लास्ट ईयर तक कि कुछ बच्चे नए एंट्री करते थे काउंसलिंग में। पर एक और फैक्टर भी होता था, और मैं सच बताऊँ फैक्टर होता था कि राउंड 3 में जब NRI सीटें कन्वर्ट होती थी तो इसको बोलते हैं सीट ब्लॉकिंग चलती थी फ्रॉम सम यूनिवर्सिटीज़ ओनली, जो ज़्यादा नंबर के बच्चों के फॉर्म भराए जाते थे ताकि के वो सीटें बच जाएँ स्ट्रे मॉप अप राउंड के लिए जो ऑफलाइन होता है। और फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने मन चाहे बच्चों को वो सीट देती थी, जिसके लिए आपको काफ़ी एजेंटों के फ़ोन आते होंगे। क्योंकि अब राउंड 4 ऑनलाइन है तो ये सिस्टम इस साल कोई नहीं कर रहा, किसी भी यूनिवर्सिटी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा ये करने में, और इस वजह से सेकंड फैक्टर अब पिक्चर में नहीं आएगा। और जनरली यू विल सी दिस कट ऑफ फॉलिंग इन राउंड 2 और 3 vis-a-vis राउंड 2। तो ये बहुत बड़ा चेंज है इस बार, जो चौथा राउंड ऑनलाइन हो गया ना उससे जो राउंड 3 में बच्चों के फॉर्म भरवा के सीट ब्लॉकिंग कराई जाती थी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, वो इस बार नहीं होगी, फ़ायदा नहीं है। क्योंकि राउंड 4 भी ऑनलाइन है, वरना लास्ट ईयर तो ये था ना कि राउंड 3 में जैसे अगर कृष्णा के पास या भारतीय पीठ के पास 20 सीटें NRI की हैं तो वो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करते थे और 550-580 नंबर वाले लोगों से बात करके उन्हें भी कुछ दे के सीट्स ब्लॉक कराते थे, क्योंकि पहले से उन्होंने वो सीटें NRI फीस में 60-60 लाख रुपये 50-50 लाख रुपये ऊपर से लोगों को कमिट कर रखी है, तो एक फिनेंशियल मॉडल वायबल फिनेंशियल मॉडल बन जाता था। इस साल वो है नहीं, तो इस साल जनरली आई फील कि राउंड 3 कट ऑफ्स नीचे आएंगी डीम्ड में, अमृता की भी नीचे आएगी। हाँ, बट ये है कि कितने मार्क्स में आया अभी ये सोचिए, बिकॉज दूसरा प्रॉब्लम हो गई है कि राउंड 2-3 अपग्रेड हो रहा है, तो वरना नए बच्चे आते हैं। देखिए दो रूल हो गए चेंज ना, फ़ायदा हो जाता राउंड 4 ऑनलाइन की वजह से, राउंड 3 में सीट ब्लॉकिंग नहीं होगी तो उसकी वजह से कट ऑफ नीचे गिरनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि 2-3 अपग्रेड अलाउड हो गया है तो शायद मोस्टली जिसको जिसके पास भी समय JSS है JLN है वो अमृता के लिए ट्राई मारेगा, जिसके पास KS एगड़े है वो JLN के लिए ट्राई मारेगा, और वो उनकी NRI सीटें ना वो लेते जाएंगे। आप समझ रहे हो, देखिए आपके नंबर ज़्यादा होते तो आपको पहले ही मिल चुकी होती ना, मैं मोस्टली एवरेज बोल रहा हूँ, करेक्ट? तो अब क्या चलता है कि अब एक एक लेवल ऊपर चलेगा, सो बेलागावी और JSS वाले ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, KS एगड़े जो 404 में ख़त्म हुआ था उसके बच्चे JLN बेलागावी की NRI सीट लेना चाहेंगे, तो ऐसे एक सिस्टमेटिकली ऊपर चलता है। राजेश्वरी की SDU कोलार के बच्चे KS हेगड़े की लेना चाहेंगे, श्री सिद्धार्था टुमकुर के बच्चे SDU कोलार की लेना चाहेंगे, सीरियसली। और इस तरह से आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप ट्रेंड ऊपर चलेगा। JLN वर्धा वगैरह के बच्चे चाहेंगे कि हम भारतीय विद्यापीठ सांगली तक पहुँच जाएँ, सांगली वाले चाहेंगे हम पूना तक पहुँच जाएँ, तो इस तरीके से राउंड 3 में अप जाएंगी, नहीं वह तो गिरेगी ही लेकिन आपको नहीं मिलेगी, वो उन्हीं को मिल जाएगी जो पुराने बच्चे बैठे, क्योंकि उनको अपग्रेड अलाउड हो गया है, तो वो प्रेशर डालेंगे कि आपको ना मिले। फ़ायदा ये हो गया है कि राउंड 4 चूँकि ऑनलाइन है तो सीट ब्लॉकिंग इस बार राउंड 3 में मुझे बिल्कुल भी सुनने में नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो यही है कि नए बच्चों को सीट मिलना मुश्किल है। अगर आप लोग पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके थे और आपको सीट नहीं मिली अभी तक, दैट मीन्स आपके मार्क्स उतरे नहीं थे, अदर देन एक्सेप्शनल केसेस कि आप में से किसी ने फॉर्म ही ना भरा हो। तो ये है मोटा मोटी कहानी, ठीक है? सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, और हमसे आप अपनी हेल्प लेना चाहें, मदद लेना चाहें, यू नो 9643-6320 पे कॉल कीजिए। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि मेजोरिटी जो आप लोग हैं उन्होंने कोई ना कोई काउंसलर ले रखा होगा, काउंसलिंग कंपनी के साथ आप एसोसिएट हो चुके होंगे और वही उनके साथ आप चल रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप में से कोई अभी भी हमारी सर्विसेज शुरू करना चाहें आप कर सकते हैं, भाई कॉलिंग ऑन 9643-6320।
और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको बीच बीच में डाउट आते हैं किसी और काउंसलिंग के साथ या खुद के साथ, मतलब मुझे रोज़ कम से कम 2 से 3 फ़ोन तो ऐसे आते हैं कि दे आर डूइंग समथिंग विद समबडी एल्स, वो कहते हैं कि सर आपके साथ हम 10-15 मिनट में कुछ बेसिक डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं या आपके साथ ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारा काउंसलर हमें ठीक डायरेक्शन में लेके चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए यू नो द ग्रिल, कॉल ऑन 9643362320 पे आपको कॉल बैक किया जाएगा, आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा मुझसे बात करने के लिए, एंड ऑफकोर्स आपको जो बेसिक काउंसलिंग फीस है 2500 रुपये की वो भी देनी पड़ेगी। आपका दिन शुभ हो, बाय बाय। आज बड़ा दिन है, बड़ा दिन इस तरह से कि राउंड 2 की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बहुत जगह पे उत्तराखंड चॉइस फिलिंग ख़त्म हो रही है, IPU एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, कई जगह तो भी राउंड 1 ही चल रहा है मोस्टली साउथ इंडियन स्टेट्स में। तो बेस्ट विशेस आप सबको कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ऑप्टिमल सीट मिले, जो सीट आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिले, और यही मेरी कोशिश रहती है जो हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं। इसलिए हमारे क्लाइंट्स बहुत कम होंगे जो राउंड 1 में फ्री हो जाते हैं, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि जो बेस्ट ऑप्टिमल सीट है वो शायद 2 या 3 राउंड में जाकर मिलती है। राउंड 1 में जो आप सीट लेते हो अक्सर वो जल्दबाजी की सीट होती है। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।